कंपनी का नाम देते हैं यह एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के द्वारा क्रेडिट होती है इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है एक इसकी कॉमन सील होती है और ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस के साथ में अपनी वर्किंग को एनश्योर करती है तो ऐसे पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कंपनी का नाम देते हैं अब हमें डिस्कस करेंगे कि अगर कंपनी को फॉर्म किया जाता है तो उसको फॉर्म करने के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एक बहुत पॉपुलर फॉर्म है और ऑलमोस्ट जितने भी मीडियम लेवल के या लार्ज लेवल के बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है उसमें कंपनी फॉर्म को मैक्सिमम लेवल तक फॉलो किया जाता है तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं और किन एडवांटेजेस की वजह से कंपनी को पसंद किया जाता है या इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लाइक like किया जाता है बाय मोस्ट ऑफ द पर्सनस द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे खास बात क्या है कि कंपनी फॉर्म के साथ में बिजनेस को एस्टेब्लिश करते ही कंपनी बड़ी मात्रा में ह्यूज क्वांटिटी में फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अवेलेबल कर सकती है क्योंकि तो अगर हम पब्लिक कंपनी में टाइप्स की बात करेंगे प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी की तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू और मैक्सिमम टू हंड्रेड मेंबर्स को फॉलो किया सकता है जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम सेवन और मैक्सिमम अनलिमिटेड पर्सन को इन्वॉल्व किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी तो जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के साथ में कैपिटल को अरेंज करोगे तो आपके पास यूज क्वांटिटी में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एंश्योर हो जाती है भाई सोल पटरशिप में सिंगल पर्सन होता है पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम टू होते हैं मैक्सिमम फिफ्टी होते हैं ठीक है तो इन दोनों टाइप के या इन दोनों फॉर्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेशन रहती है मेंबर्स की और इसी वजह से ये एक लिमिटेड वे तक ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अवेलेबल कर सकते हैं लेकिन कंपनी के फॉर्म में नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होने की वजह से ह्यूज क्वांटिटी में फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इजी वे में अवेलेबल किया जा सकता है ये सबसे पहला एडवांटेज रहता है कंपनी फॉर्म का सेकेंड एडवांटेज क्या है इसका लिमिटेड लाइबिलिटी एक्चुअली जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लाइविलिटी क्या होती है लिमिटेड होती है अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो पब्लिक कंपनी के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं उनकी लाइबिलिटी केवल केवल उनके द्वारा हेल्ड किए गए, गए शेयर्स नॉमिनल वैल्यू जो भी रहती है उसकी उसकी अनपेड अमाउंट तक ही है और अगर वो उसको भी पे कर देते तो उसके बाद इनकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है मान लीजिए एक शेयर की कीमत सौ रुपए है और सौ रुपए में अगर कंपनी के शेयर होल्डर ने एक शेयर के रेफरेंस में अस्सी रुपए पे कर दिए तो केवल के उसकी लाइबिलिटी बीस रुपए की है यानी कंपनी के बाइंडिंग आपके केस में वो ट्वेंटी रुपीज को पे करने के लिए लाइबिल होगा इससे ज्यादा किसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी जैसे हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी इट मीनस दैट द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज हैविंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड दिस लाइबिलिटी इज अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम पॉइंट क्लियर हो गया यहां पर ना अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी सबसे खास बात रहती है इसके अंदर कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है और ये हाई स्टेबिलिटी के साथ में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वर्किंग में रहती है जब तक कि कंपनी के ऑपरेशन को वाइंड अप ना कर दिया जाए तब तक इसकी लाइफ रहती है यानी कि जो इसके मेंबर्स हैं उनकी लाइफ का इसकी लाइफ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कंपनी के अंदर डिफरेंट मेंबर्स आते रहते हैं डिफरेंट मेंबर्स जाते रहते हैं लेकिन उससे कंपनी की लाइफ पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कंपनी के मेंबर्स की डेथ हो रही है नए मेंबर्स आ रहे हैं पुराने मेंबर्स छोड़कर जा रहे हैं इसका कंपनी की वर्किंग से कोई लेने देना नहीं होता है क्योंकि यहाँ ऑनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में एक सेपरेशन रहता है और उस सेपरेशन की वजह से कंपनी के मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके अंडर में जो टीम रहती है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक सीईओ को फॉर्म करते हैं मैनेजर पर्सनल्स को क्रिएट करते हैं और फिर इन मैनेजर पर्सनल्स के बेसिस पर कंपनी के मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है तो इसी वजह से कंपनी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करने की पोजिशन में रहती है और स्टेबिलिटी के साथ में अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करती है इसके ऑपरेशन कभी भी रुकते नहीं है डेली बेसिस पर ऑपरेशन इसके कंटिन्यू रहते हैं नेक्स्ट वन इज द डिफ्यूजन ऑफ रिस्क रिस्क को डिफ्यूज करने में कामयाब रहती है कंपनी फॉर्म क्योंकि लाइबिलिटी कहती है ना लिलिटेड लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की या भी जो इसके मेंबर्स होते हैं उनकी लाइविलिटी लिमिटेड होती है ठीक है और उसके साथ साथ इसके पास यूज फाइनेंशियल रिसोर्सिस की भी अवेलेबलिटी होती है और एक्सपर्ट मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए इसकी एक्टिविटीज को फॉलो किया जाता है इसकी एक्टिविटीज को रन किया जाता है तो इसी वजह से यह क्या करती है जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करती है उसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी कि जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं उनको प्रॉपरली कैलकुलेट करते हुए चलती है यानी कि जो भी रिस्क अवेलेबल है मार्केट के अंदर उस रिस्क को प्रॉपरली कैलकुलेट करते हुए यह अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करती है तो इसी वजह से जो कंपनी का रिस्क है वो डिफ्यूज हो जाता है अमंग लॉट ऑफ मेंबर्स क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो ज्यादा मेंबर्स होने की वजह से वो रिस्क क्या हो जाता है वो डिवाइड हो जाता है अमंग ईच एंड एवरी मेंबर और एक तो ये बात हो गई ना और दूसरा क्योंकि जो कंपनी है वो अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इसकी खुद की होती है मेंबर्स का शेयर होल्डर्स का कंपनी की प्रॉपर्टी पर कोई भी राइट नहीं होता है तो इस तरीके से जो कंपनी का रिस्क है कंपनी के केस में जो मेंबर्स का रिस्क है वो लिमिटेड लाइबिलिटी की प्रॉपर्टी होने की वजह से दूसरा नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होने की वजह से डिफ्यूज हो जाता है और एक्सपर्ट मैनेजमेंट होता है तो इसी वजह से रिस्क का डिफ्यूजन हो ही जाता है इन द केस ऑफ द कंपनी नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं पब्लिक कंपनी की बात करें अगर जिन कंपनी को शेयर कैपिटल के साथ में फॉर्म किया जाता है उन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं मतलब हम बात करेंगे पब्लिक पब्लिक कंपनीज 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 की जो listed, जो लिस्टेड लिस्टेड होती हैं द आर या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उन कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता लेकिन पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड होती हैं उनके शेयर्स को प्रॉपरली ट्रांसफर भी किया जा सकता है यानी कि, कि किसी कंपनी का पब्लिक कंपनी का कोई शेयर होल्डर है जो अपने शेयर्स को किसी दूसरी पार्टी को सेल करना चाहता है तो वो उन दूसरी पार्टी को सेल कर सकता है और सेल करके उन्हें ट्रांसफर भी कर सकता है ये भी इसकी खास प्रॉपर्टी रहती है नहीं अगर किसी को किसी टाइम पर रिक्वायरमेंट है अमाउंट की तो वो शेयर्स को सेल करके उस पर्टिकुलर अमाउंट को मार्केट से सेकेंडरी मार्केट से कलेक्ट कर सकता है नेक्स्ट वन इज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ऑनरशिप यानी कि कंपनी है वहां पर एक डेमोक्रेटिक पैटर्न में काम होता है कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉलो की जानी है कंपनी के अंदर तो उसके लिए डेमोक्रेटिक पैटर्न को फॉलो किया जाता है और उस डेमोक्रेटिक पैटर्न के बेसिस पर कंपनी अपनी एक्टिविटी को रन करती है डेमोक्रेटिक पैटर्न क्या होता है कि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ वोर्स को फोकस किया जाता है मान लीजिए कंपनी में किसी भी पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए कंपनी की मीटिंग कॉल की जाती है कंपनी की मीटिंग कॉल करने के बाद जितने भी शेयरडोस होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्ट मेंबर्स अगर उसके फेवर में होते हैं तब तो रिजोल्यूशन को पास किया जाता है और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स उसके अगेंस्ट में होते हैं तो उस रिजोल्यूशन को ड्रॉप कर दिया जाता है तो एक तरीके से एक डेमोक्रेटिक पैटर्न होता है ऑनरशिप का और उस डेमोक्रेटिक पैटर्न के बेसिस पर ही कंपनी की एक्टिविटीज को रन किया जाता है या उसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्म किया जाता है नेक्स्ट में इस था मैनेजमेंट जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो ऑनरशिप है और जो मैनेजमेंट है इसके बीच में एक सेपरेशन रहता है और उस सेपरेशन की वजह से यहाँ पर एक एफिशिएंट मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है और ये एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रॉपर वे में अपनी वर्किंग को फॉलो करते हुए कंपनी की प्रोग्रेस और कंपनी की ग्रोथ को एंश्योर करता है नेक्स्ट वन इज द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एक्सपेंशन के चांसेस हमेशा बने रहते हैं कंपनी अगर एक्सपेंड करना चाहे तो उस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटीज को फॉलो किया जाता है बाय इट्स एफिशियंट मैनेजमेंट और कंपनी एक्सपेंड करने के लिए अपने डिफरेंट टाइप के प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स में इस इन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करती रहती है एंड द लास्ट वन लास्ट वन इज द पब्लिक कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहता है क्योंकि इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं चाहे इसका मेमोरेंडम है चाहे आर्टिकल है वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होता है यानी कि पब्लिक प्रॉपर्ली इनको इंस्पेक्ट करते हुए पता कर सकती है कि कंपनी किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए फॉर्म की गई है किस ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म की गई है और कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह से चल रही है क्योंकि इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजिशन जो भी रहती है उसको पब्लिक के लिए ओपन करना होता है इसी वजह से पब्लिक का फेथ कंपनी के अंदर बना रहता है सो दिज ऑल आर The different advantages of company. Now we will discuss about the disadvantages of a company. क्या क्या, -क्या disadvantages हैं हालांकि बहुत सारे advantages हैं company के लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी रहती हैं कुछ, कुछ ना कुछ defects हैं कुछ ना कुछ weaknesses हैं company फॉर्म के अंदर क्या क्या है ये very first one is the not simple and easy formation. सबसे पहली बात तो है कि company को form करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है इसको इसको फॉर्म करना बहुत सिंपल नहीं होता है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कंपनी को फॉर्म कर सकता है नेक्स्ट वन इज द मेल प्रैक्टिसज इन प्रमोशन सबसे पता है जब कंपनी को प्रमोट किया जाता है तो उसमें मेल प्रैक्टिस इन्वॉल्व हो जाती हैं और उन मेल प्रैक्टिस के इन्वॉल्व होने की वजह से कंपनी को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं हो पाता है ठीक है नेक्स्ट वन इज द डायवर्स बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट सबसे पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में एक डाइवॉर्स रहता है यानी कंपनी की कंप्लीट एक्टिविटीज को रन करने के लिए मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑनर्स बहुत सारे होते हैं तो इसी वजह से ऑनर्स जितने भी ऑनर्स हैं हर किसी के इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली फोकस नहीं किया किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द कंपनी फॉर्म जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं केवल केवल उनके इंटरेस्ट को ही प्रॉपर्ली फोकस किया जाता है जो माइनट्री शेयर होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर कोई भी पर्टिकुलर केयरिंग पॉइंट नहीं होता है नेक्स्ट वन इज़ द नो वॉइस ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल इन मैनेजमेंट तौर से कि जो मैनेजमेंट होता है जब वहाँ पर शेयर होल्डर्स की जनरली कोई भी वॉइस नहीं होती है क्योंकि साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें डिफरेंट रेजोल्यूशंस पास करने होते हैं उन रेजोल्यूशंस के रेफरेंस में ही कंपनी के शेयर होल्डर्स को कॉल किया जाता है इसके अलावा जो मैनेजमेंट रहता है कंपनी का उसमें शेयर होल्डर्स की कोई भी आवाज़ नहीं होती है या किसी भी तरीके से वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं नेक्स्ट वन इज द रेकलेस स्पेकुलेशन सबसे ये बात है कि स्पेकुलेशन हो चलता है क्योंकि कंपनी की इनसाइडर एक्टिविटीज के बारे में जो मैनेजमेंट होता है उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है सेल होल्डर्स के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और उसकी वजह से ये रैकलेस स्पेकुलेशन की एक्टिविटी को भी रन करते हैं नेक्स्ट वन इज द वेस्ट एंड इन एफिशियंसी इन मैनेजमेंट क्योंकि कंपनी के वर्किंग को फॉलो करने के लिए आपको मैनेजमेंट तो फॉलो करना ही पड़ेगा मैनेजर पर्सन को हायर करना पड़ेगा और जब ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर पर्सन को हायर किया जाता है तो उस केस में इनको सैलरी भी पे की जाती है एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च होते हैं तो यहाँ वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं लार्ज साइज होने की वजह से इन एफिशियंसी की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन देंड्स ऑफ अ फ्यू ऑफ अ फ्यू कुछ ही लोगों के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है यानी जिन पर्टिकुलर पर्सन के पास नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होते हैं उन पर्सनस के पास पावर ज़्यादा होती है और जिनके पास शेयर्स कम होते हैं कंपनी के उनके पास पावर कम रह जाती है तो जो ज़्यादा शेयर्स रखते हैं उनके हैंड में पावर कंप्लीटली कंसंट्रेट हो जाती है केवल और केवल उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की एक्टिविटीज को रन किया जाता है नेक्स्ट वन इज द एक्सेसिव रेगुलेशन एंड सबसे क्या है कि कंपनी अगर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहती है तो उसके रेफरेंस में कंपनी एक्ट के साथ साथ सेवी है या फिर स्टॉक एक्सचेंज है इनके द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म किए गए हैं उनको फॉलो करते हुए ही ये अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको डिफरेंट टाइप के रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शंस को फोकस करना होता है और उसके अंडर में अपनी वर्किंग को परफॉर्म करना होता है लास्ट मन इज द लैक ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट सच बात क्या है इसके अंदर एक आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट की कमी रहती है ये नहीं बचान पाती है कि किसके इंटरेस्ट को फुलफिल करना है क्योंकि हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है और इस इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किए बिना ही कंपनी के ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाता है जैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर किया है यानी कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो मैक्सिमम डिविडेंड उनको पे किया जाए लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ये चाहता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉफिट में से कम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे किया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को रिटेन किया जाए जिससे कि कंपनी अपनी एक्टिविटीज को ग्रोथ में कन्वर्ट कर सके तो एक तरीके से जो कंपनी फॉर्म है उसमें आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट की एक कमी रहती है यानी कि इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है डिफरेंट पार्टीज के रेफरेंस में सो दीज द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी थैंक यू